कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि मुख्य रूप से चार डिवीजन बनाए गए हैं। एक है साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्पिनोप्सिडा और चौथा है इसमें टेरोप्सिडा। हमारे सिलेबस में साइलोप्सिडा का साइलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम एम सिलेजिनिला, स्पिनोप्सिडा का एक्विसिटम तथा टेरोप्सिडा का टेरिस एवं मार्सिलिया हमारे पाठ्यक्रम में है। हम आज शुरू करते हैं पहले साइलोप्सिडा का साइलोटम, जो कि साइलोप्सिडा का एक मेंबर है। मैं डॉक्टर पी के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के ऊपर बात करें तो देखिएगा, जैसा कि पीछे अपन क्लासिफिकेशन में कल ही हमने देखा, ट्रेकियोफाइटा का डिवीजन का ये मेंबर होगा। इसमें साइलोप्सिडा इसकी क्लास होगी, साइलोफाइटिनी इसकी सब क्लास, साइलोटेल्स इसका ऑर्डर, साइलोटेसी फैमिली का नाम है और साइलोटम इसका जेनेरा। नाउ स्पीसीज की बात करें, देखिएगा मुख्य रूप से साइलोटम की दो स्पीसीज अब तक पाई गई हैं, साइलोटम न्यूडम, साइलोटम फ्लैसिडम। एक्चुअल में पहले ये माना जाता था कि इसकी बहुत सारी जातियां हैं। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है वो पॉलीमॉर्फिक नेचर दर्शाता है, तो जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी स्पीसीज है, जबकि वास्तव में दो ही स्पीसीज इसकी अब तक ये रिपोर्ट हुई है। एक है साइलोटम न्यूडम, दूसरी साइलोटम फ्लैसिडम। साइलोटम फ्लैसिडम एक एपिफिटिक जाति है जो ट्री ट्रंक के ऊपर मिलती है। इसका मतलब इसमें जो एरियल ब्रांचेस मिलेगी वो पेंडेंट रहेगी, हवा में निलंबित रहेंगी। साइलोटम न्यूडम भारत में पाई जाती है, भारत में साइलोटम फ्लैसिडम नहीं मिलता है। साइलोटम फ्लैसिडम जो है वो एक इस प्रकार की जाति है जो भारत से अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है, केवल न्यूडम ही भारत में अब तक रिपोर्ट हुआ है। और जो साइलोटम न्यूडम है वो भारत में बंगाल, यानी बंगाल में भी पर्टिकुलरली दार्जिलिंग की जो हिल्स हैं वहाँ पर, असम एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका में भी इसको रिपोर्ट किया गया है। और साइलोटम फ्लैसिडम जो कि भारत में तो नहीं है लेकिन कुछ आइलैंड्स हैं ट्रॉपिकल एरियाज के, वहाँ जैसे लाइक जमैका, जावा, वहाँ पर इसको रिपोर्ट किया गया है। नाउ बाहर से यदि आप साइलोटम को देखें, यानी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अपन बात करें, तो पौधे में मोटे मोटे रूप में दो पार्ट हैं। पहली बात तो प्लांट स्पोरोफाइट है, इसका मतलब जड़ तना एवं पत्ती के अंदर विभेदन मिल रहा है, अर्थात थैलोइड प्लांट बॉडी नहीं है। और जो डिफरेंशिएशन है, जो विभेदन है, उसमें एक राइजोम मिल रहा है और एक एरियल शूट अपने को मिल रही है। राइजोम मतलब भूमिगत तना पाया जाता है और उस तने से बाहर की तरफ यानी ऊर्ध्व दिशा में इरेक्ट साइड में और एरियल शूट्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वायव्य शाखाएं कहलाती हैं। और ये शाखाएं प्लस जो राइजोम है, ये दोनों के दोनों डायकोटमसली ब्रांच्ड होते हैं, द्विभाजी शाखित होते हैं, वो हमें संरचना देखने पर प्राप्त होती है। आप इस चित्र को देखिएगा, ये राइजोम है इसका भूमिगत तना, इसके ऊपर राइजोइड्स मिल रहे हैं, डायकोटमसली ब्रांच्ड है और इससे ऊपर की तरफ ये एरियल ब्रांच निकल रही है, ये भी डायकोटमसली ब्रांच्ड है। और इस ब्रांच में आप देख रहे हैं कुछ स्केल लीव्स भी आपको नज़र आ रही हैं और कुछ आपको ओवल शेप या यूं कहीं ये ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जिनको अपन सिनेंजियम कहते हैं, जो कि आगे हम इसमें देखेंगे ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है जिसको सिनेंजियम कहा जाता है। यदि प्लांट्स को आप ऐसे देखें, एक ग्रीन या गार्डन प्लांट्स के रूप में भी इसका लगाया जाता है, तो वो ये गार्डन प्लांट्स के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ये है साइलोटम न्यूडम जो कि भारत में मिलता है। नाउ अब हम इस प्लांट्स के राइजोम और यदि हम साथ में बात करें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के संदर्भ में, फिर थोड़ा सी बात और कर लेते हैं।
राइजोम विद न्यूमरस राइजोइड्स एसोसिएटेड विद माइकोराइजा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। राइजोम जो है वो राइजोम में राइजोइड्स हैं, साथ ही माइकोराइजल एसोसिएशन मिलता है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एरियल शूट है वो लीफलेस होती है, मैंने अभी आपको दिखाया था चित्र में, केवल स्केल लीव्स इसमें पाई जाती हैं। एंड स्पोरिंजिया बोर्न इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के समूह मिलते हैं और इन समूह को सिनेंजियम कहा जाता है। नाउ स्पोर्स आर होमोस्पोरस, इसमें जो स्पोर्स मिलेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, इसलिए हम इसको समबीजाणु पादप कहते हैं। ये एक सिनेंजियम का चित्र यहाँ साथ में दिखाया गया है, जिसमें आपको बताया कि 2 या 3 जो बीजाणुधानियाँ हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। एनाटमी के पर बात करें, फर्स्ट वी टेक एनाटमी ऑफ राइजोम, यानी जो भूमिगत पार्ट है उसकी एनाटमी के पर बात कर रहे हैं। देखिएगा 3 पोर्शन है, पहला पोर्शन इसका क्यूटिकल के ठीक नीचे मिलने वाली एपिडर्मिस, बैरल शेप शिप की कोशिकाएं हैं, इनके ठीक ऊपर क्यूटिकल की एक पर्त है, यानी एक प्रकार का जमाव है क्यूटिन का। इसके ठीक नीचे एक पेरेन्काइमेटस रीजन है जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, उसे हम आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एवं इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर कॉर्टेक्स में जो पेरेन्काइमा सेल्स मिल रही है उनमें माइकोराइजल एसोसिएशन वाली फंजाई मिल रही हैं, यहाँ पर फंजाई पाए जाते हैं जो सामान्यतया एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वो स्टोरेज टिश्यू के रूप में काम करता है और इसमें स्टार्च के रूप में मटेरियल या खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित या स्टोरेज रहता है। इनर कॉर्टेक्स में आप देख रहे हैं कुछ सेल्स हैं वो डार्क कलर की नज़र आ रही हैं, वास्तव में उनके अंदर टैनिन का जमाव होता है। टैनिन जो कि एक प्रकार की डाई है, उसका जमाव इस इनर कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर दिखाई देता है। और फिर सबसे अंदर की तरफ है स्टील पोर्शन, जो स्टील पोर्शन है उसमें आप पाएंगे स्टील सिंपल प्रकार की प्रोटोस्टील मिलती है इसमें, यानी पित्त एब्सेंट होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद में कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में फ्लोएम और फिर सेंटर में जाइलम। इसका मतलब सॉलिड पित्त इसके अंदर पाई जाती है। सो बहुत सिंपल एनाटमी है इस राइजोम की, बट एक जो मेन फीचर इसमें अपने को देखने को मिला वो है कि कॉर्टेक्स में स्टोरेज जोन है और उस स्टोरेज जोन के अंदर 3 अलग अलग पोर्शंस हैं। पहले पोर्शन में माइकोराइजल एसोसिएशन है, दूसरे में स्टार्च है, तीसरे में टैनिन का जमाव देखने को हमें मिलता है। नाउ यदि हम बात करें एरियल ब्रांच की एनाटॉमी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनाटॉमी के आधार पर हम इसको एडवांस भी बोलते हैं कि इसमें क्या एडवांस फीचर्स मिल रहा है। देखिएगा सबसे पहले तो वही एपिडर्मिस है, बैरल शेप सेल्स हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल मिल रहा है, लेकिन क्यूटिकल देखिएगा कुछ स्थानों पर ब्रेक है, या यूं कह सकते हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स चल रही हैं वो बीच बीच में इंटरप्टेड हैं स्मॉल ओपनिंग से, जिनको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे वही जैसे राइजोम के अंदर था उसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्टेक्स है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बट यहाँ पर फंक्शन उसके अलग अलग हैं। सबसे ऊपर यानी जिसको अपन आउटर कॉर्टेक्स कह रहे हैं, वो आउटर कॉर्टेक्स है वो फोटोसिंथेटिक होता है, यानी यहाँ मिलने वाली पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं, इन पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात ये एक प्रकार की क्लोरेन्काइमा सेल्स हैं, क्लोरेन्काइमा सेल्स ये होती हैं। उसके ठीक नीचे मैकेनिकल टिश्यू के रूप में मिलता है वो मिडिल कॉर्टेक्स है, जिसको स्क्लेरेन्काइमा अपन कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स हैं, इसका मतलब नॉन लिविंग सेल्स हैं, लेकिन काम इनका है मैकेनिकल सपोर्ट देना। सो जो रिजिडनेस मिल रही है इन एरियल ब्रांचेस में वो इस टिश्यू के कारण मिल रही है। और उसके ठीक नीचे वही वापस स्टोरेज जोन के रूप में काम करने वाला पेरेन्काइमा सेल्स है, जिसमें स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। तो यहाँ पर भी जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, आउटर कॉर्टेक्स जो कि क्लोरेन्काइमेटस है, फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है,
उसके ठीक नीचे मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में स्क्लेरेनकाइमा है जो कि मिडिल कॉर्टेक्स हो गया है, और सबसे अंदर की तरफ इसमें इनर कॉर्टेक्स है जो कि पेरेनकाइमा है और स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित करता है। अब इसके बाद इसमें स्टील पोर्शन आता है। स्टील पोर्शन की अपन बात करें तो यहाँ स्टील पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इतना प्रिमिटिव प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ पिथ पाई जाती है, जबकि इससे आगे वाले प्लांट्स अपन पढ़ेंगे तो उनमें पिथ नहीं मिलती है। यानी लाइकोपोडियमा पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलती है, सिलेजिनिला पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलती है, जबकि साइलोटम और बहुत सारे लक्षणों में ये उनसे बहुत प्रिमिटिव है, लेकिन इस लक्षण में ये एडवांस है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आप पाएंगे स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ पाई जाती है, और स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ मिलने के कारण ही यह है जो स्टील है वो प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील हो गई है। और साइफोनोस्टील में आप देखेंगे कि जो जाइलम है वो रेडिएटिंग रेज के रूप में निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम है वो किनारे पे, और सेंटर में आपको ये पिथ नज़र आ रही है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। बट जो जो ये एक्सिस की तरफ चले जाते हैं यानी राइजोम की तरफ जाएंगे, अर्थात लोअर पोर्शन की तरफ जाते चले जाते हैं अभी सेरियल ब्रांच के अंदर, तो धीरे धीरे ये पिथ है वो समाप्त होती चली जाती है, और ये जो स्टील है वो धीरे धीरे प्रोटोस्टील के रूप में कन्वर्ट होकर हमें एक्टिनोस्टील के रूप में दिखाई देती है। बट ऊपर की ओर वापस चलते हैं आपको तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि यह जो स्टील पोर्शन है वो वापस डेवलप होता है, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी हुई पिथ होती है, जो कि बहुत ही इसका एक एडवांस फीचर है। और इस फीचर के कारण इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है वो एक आपस के बहस का विषय रही है। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें लीफ चूंकि स्केल लीव्स हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी यदि उसकी एनाटॉमी की अपन बात करें तो एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है, और बीच में उसमें एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू मिलता है। सो ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण कोई एनाटॉमी लीफ की नहीं होती है। नाउ वी कैम एट रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। साइलोटम में यानी ये जो प्लांट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो मेथड प्रमुख रूप से इसके रिप्रोडक्शन में अपन देख पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अर्थात कायिक जनन जिसको हिंदी में कहते हैं। कायिक जनन का मतलब ये हो गया कि किसी प्रकार का कोई इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, और सीधे सीधे प्लांट्स का कोई भाग या उसमें बनने वाला कोई स्ट्रक्चर वो सीधे ही जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है, तब अपन उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर गैमी जो होती है उनके द्वारा मिलता है, थ्रू द गैमी। दे आर स्मॉल, ये छोटी होती हैं, मल्टीसेलर होती हैं, और इनकी संरचना लगभग अंडाकार होती है, और इनका निर्माण यदि प्लांट स्पोरोफाइट है तो उसमें राइजोम के ऊपर होता है, और यदि प्लांट जो कि गैमेटोफाइट है जो कि बाद में अपन पढ़ेंगे इसके लाइफ साइकिल के अंदर, उसमें यदि उस पोर्शन पे यदि बन रही हैं तो ये फिर प्रोथेलस पर बनती हैं। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चाहे स्पोरोफिटिक जनरेशन हो चाहे गैमेटोफिटिक जनरेशन हो, दोनों में मिल रहा है, और दोनों में ही यह एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको अपन गैमी कहते हैं, गैमी द्वारा होता है। और ये गैमी यदि स्पोरोफिटिक जनरेशन है तो वहाँ ये गैमी बनती है इस राइजोम पर, और प्रोथेलस यदि पोर्शन है तो वो जो कि एक पार्ट है गैमेटोफाइट का वहाँ बनती है ये गैमी। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है क्योंकि एक बहुत ही सरल और प्रिमिटिव प्रकार का ये टेरिडोफाइटा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि और दूसरे टेरिडोफाइट्स हैं उसी तरह से इसमें भी स्पोर्स के द्वारा होता है, और स्पोर्स का निर्माण करने वाली संरचना स्पोरेंजियम होती है, और स्पोरेंजियम यहाँ पर जैसा कि पीछे अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि यहाँ ये दो या तीन संरचनाओं से मिलकर उस एक लोकुलर स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको यहाँ सिनेंजियम नाम दिया गया है। तो सिनेंजियम स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है, द मैच्योर स्पोरेंजियम जो कि सिनेंजियम के अंदर की अपन बात करें, एक थ्री लोब्ड स्ट्रक्चर है,
एंड ईच लोब ऑफ द सिनेंजियम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्पोरेंजियम, यानी एक स्पोरेंजियम, फिर वो दूसरी स्पोरेंजियम, फिर तीसरी स्पोरेंजियम, इस तरह से ये आपस में फ्यूज होकर के और एक ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसको हम सिनेंजियम कह रहे हैं। तो प्रत्येक सिनेंजियम में ये स्पोरेंजियम मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये तीन यहाँ पर स्पोरेंजियम आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो हमने इसका नाम सिनेंजियम रख दिया। सिन मतलब फ्यूज। नाउ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, ये जो स्पोरेंजियम है जो तीनों के ऊपर बात कर रहे हैं, उन स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्स्ट वी टेक डेवलपमेंट का टाइप। आप जानते हैं स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा में दो प्रकार से होता है। फर्स्ट वन इज यूस्पोरेंजियट टाइप एंड सेकेंड वन इज लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप। टेरिडोफाइटा में जब एक कोशिका जो कि आरंभिक कोशिका होती है, यदि वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर के, स्पोरोफाइट की कोई भी कोशिका एक सिंगल होनी चाहिए, वो कोशिका डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के यदि स्पोरेंजियम का निर्माण कर लेती है तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि फर्न्स में मिलता है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक कोशिका न होकर के एक से अधिक कोशिकाएं मिल करके और पूरे स्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं तो इसको हम यूस्पोरेंजियट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ इनिशियल्स व्हेन फॉर्म्ड स्पोरेंजियम एंड व्हेन द सिंगल सेल फॉर्म्ड स्पोरेंजियम इट नॉन एज लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप एंड इन यूस्पोरेंजियट ए ग्रुप ऑफ इनिशियल्स इन्वॉल्व्ड, एक कोशिकाओं का समूह यानी एक से ज़्यादा होनी चाहिए जो स्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं। जैसे कि अब यहाँ लिखा भी है, डेवलप्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स विच डिवाइड पेरिक्लिनली। सबसे पहले इन कोशिकाओं में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे बाहर की तरफ एक प्राइमरी वॉल इनिशियल्स बनती हैं और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनती हैं। ये जो प्राइमरी वॉल सेल्स बनती हैं या इनिशियल्स बनती हैं, ये प्राइमरी वॉल इनिशियल्स में फिर डिवीजन होता है और ये बार बार पेरिक्लिनल डिवीजन करके चार से पाँच लेयर की हो जाती हैं। और ये चार से पाँच लेयर जब बन जाते हैं तो ये अब इनके अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है और ये चारों तरफ से इन स्पोरोजेनस सेल्स को घेर लेती हैं जो कि आरंभ में इनिशियल्स हैं। और इनमें सभी प्लेन्स में डिवीजन होता है और सभी प्लेन्स में डिवीजन हो जाने से ये एक समूह बन जाता है, मास बन जाता है। इस मास को चारों ओर से ये जो वॉल सेल्स थी, जो प्राइमरी वॉल्स इनिशियल्स थी जिन्होंने अब वॉल बन का निर्माण कर लिया है, वो इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और इस तरह से एक स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बोला, स्पोरोजेनस टिश्यू गिव राइज टू स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू बन गए, इनमें स्पोर मदर सेल बनती हैं और स्पोर मदर सेल में, क्योंकि अभी तक प्लांट है वो सारा का सारा डिप्लोइड था, स्पोरोफाइट था, अब इस स्पोर मदर सेल में देखिए, पहले ये सारे के सारे स्पोरोजेनस सेल्स हैं, फिर ये भोजन लेते हैं और भोजन लेकर के ये सेल सब अलग अलग हो जाती हैं। जब अलग अलग हो जाती हैं तब हम इन्हें स्पोर मदर सेल कहते हैं और ये स्पोर मदर सेल अब मियोसिस करती हैं और प्रत्येक सेल मियोसिस द्वारा चार चार स्पोर्स बना लेते हैं और ये स्पोर्स जनरली या तो लीनियर या फिर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमें इस बीजाणुधानी में दिखाई देते हैं। क्योंकि सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे हैं अपने साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इसे होमोस्पोरस स्पोर्स कहेंगे या इस जेनेरा को हम होमोस्पोरस जेनेरा या बोलेंगे और इस लक्षण को होमोस्पोरी कहते हैं। इस पूरे को हम इस डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, आप इसको देखते चलिए। ये एपिकल सेल्स स्टार्टिंग में, जो इसमें कि पेरिकलिनल डिवीजन होता है, एक जैकेट इनिशियल बनाती है और नीचे की तरफ देखिए एक आर्किस्पोरियल सेल इसने बना लिया है। अब ये जैकेट इनिशियल लगातार डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के, लेकिन ये पहले पेरिकलिनल डिवीजन करती हैं जिससे कि मल्टी लेयर्स हो जाती हैं और उसके बाद ये
पेरिकलिन के बाद एंटीकलिन डिवीजन करके ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी, इन आर्किस्पोरियल सेल में लगातार डिवीजन होता है, लेकिन इसमें सभी प्लेन्स में होता है, जिसके कारण एक समूह बन जाता है। और जो समूह बन जाता है, फिर हमने उसका नाम रख दिया स्पोरोजेनस टिश्यू। और वो स्पोरोजेनस टिश्यू ही आगे जा करके, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, चारों तरफ से इसमें वॉल है, ये स्पोरोजेनस सेल्स हैं, और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, यही आगे जा करके स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। और इसमें देखिएगा आप, स्पोर मदर सेल ये बनी हुई हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में होता है मियोसिस, और मियोसिस हो जाने से खूब सारे स्पोर्स, एक एक सेल से चार चार सेल्स होते हैं होने से, और खूब सारे स्पोर्स इसमें बन जाते हैं। ये कुछ अरेंजमेंट्स के रूप में ये सेल्स, ये स्पोर्स दिखाए गए हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाए गए, देखिए ये इसमें ज़्यादातर एक स्पोर्स की स्ट्रक्चर को आप देखें तो उसमें एक मिडन स्लिट मिलती है, एक लिप मिलता है, और ये उसकी आउटर वॉल है। और ये एक स्ट्रक्चर पूरा इसका कंप्लीट, जो एच फॉर्म में इसमें दिखाया गया है। जी और एच जो है वो स्पोर्स की स्ट्रक्चर के रूप में है। इसमें देखिएगा आप, एक एग्जाइन है और एक इंटाइन है। एग्जाइन स्मूथ है, एग्जाइन और इंटाइन भी स्मूथ है, और ये थोड़ा सा एक किडनी शेप्ड इसमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इंटाइन का, या यूँ कहिए कि थोड़ा सा इसमें एक खांच नज़र आ रही है हमें इंटाइन के अंदर। ये स्पोर्स की संरचना है। सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं, और सारे स्पोर्स एक जैसे हो जाने से ये सारे स्पोर्स होमोस्पोर्स कहलाएंगे। ये प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर ये लगी हुई है सिनेंजियम, और इस सिनेंजियम को जब आप देखते हैं, इसका सेक्शन काटें, तो आपको ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए, इसकी वॉल दिख रही है, और वॉल में ये दो इसमें स्पोरेंजियम आपको नज़र आ रही हैं, और ये स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम में खूब सारे स्पोर्स भरे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर करके इसको हम देख सकते हैं। ये साइलोटम के बारे में, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और उसमें मिलने वाले जनन के बारे में, या यूं कहिए कि स्पोरोफिटिक अवस्था जो है वो स्पोर निर्माण से पहले पहले तक की है। स्पोर का निर्माण होते ही हैप्लोइड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के ये गैमेटोफिटिक अवस्था को शुरू करेगा। उस गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गैमेट्स बनाएंगे, और गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर के जायगोट बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर वापस प्लांट बना लेगा। अर्थात जो स्पोरोफाइट डिप्लोइड है वो अब हैप्लोइड हो गया है स्पोर के निर्माण होते ही। स्पोर अब आगे किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, उन्हें किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, जर्मिनेट होकर वो कौन सी संरचना बना रहे हैं, इसको अपन प्रोथेलस कहते हैं, वो संरचना जो बना रहे हैं, वो संरचना कैसे बनती है, इन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। और इस जो पीछे अपन ये भी पढ़ा है, इसमें एनाटमी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की मॉर्फोलॉजी अपन ने इसमें शामिल की है, और प्लस रिप्रोडक्शन का मेथड्स शामिल किए हैं। कल अपन नेक्स्ट इसका गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। थैंक यू।